देश दे उगे शायरां फनकारां अते साहित्यकारां दी लंबी सूची विच एक प्रमुख नां सी मुनव्वर राणा जो कि बीते दिन इस फानी संसार नूं अलविदा आके अपने समुचे जीवन अते खासकर साहित्यक जीवन दौरान उन्होंने कई यादगार नगमे अते शेर लिखे खूब वाहवाही खट्टी अते नाल दी नाल अपनिया बेबाक टिप्पणियां अते खासकर चलंत मामलियां संबंधी अपनी राय करके भी वो अक्सर चर्चा विच भी रहे अते विवादां विच भी रहे। अज दे इस विशेष वीडियो जरिए आओ जानते हाँ देश के इस प्रमुख शायर मुनव्वर राणा दे जीवन अते उन्होंने साहित्यक सफर बारे। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 उत्तर प्रदेश के नामवर इलाके रायबरेली विखे होया। हालांकि उन्होंने अपने जीवन का वधेरेतर समा पछमी बंगाल सूबे के कोलकाता विखे बिताया। अपने समुचे जीवन दौरान उन्होंने ज़्यादातर लिखण का कार्य उर्दू अवधी भाषा विच कीता अते फारसी अते अराबिक शब्दों का उन्हां वधेरे इस्तेमाल नहीं कीता। इसी दी वजह सी कि उन्हां दी लिखी हुई शायरी भारत दे आम बंदे दी समझ विच आउण वाली शायरी सी अते उस विच ज़्यादा भारी जां औखे अल्फाज वरतण तों उन्हां हमेशा गुरेज कीता। उन्हां दी शायरी दी खास गल ई वी सी कि गैर उर्दू इलाकियां अते गैर उर्दू दर्शक अते सरोते तक भी उन्हां दी शायरी बाखूबी पहुंची। उन्होंने कई गज़लां भी लिखियां अते उन्हां दे गज़ल संग्रह उर्दू विच लिखे होने तो बाद अंग्रेजी विच भी तर्जमा करके लोकां तक पहुँचाए गए। मुनव्वर राणा अपनियां कवितावां अते शायरी लई बहुत मशहूर हुए, खासकर उन्हां वल्लों मां संबंधी यानी कि एक व्यक्ति दे जीवन विच उस दी मां दे योगदान संबंधी लिखियां कवितावां बहुत मकबूल होईयां। साल 2014 विच मुनव्वर राणा नूं उन्हां दी किताब शाहदाबा लई साहित्य अकादमी पुरस्कार नाल सन्मानित कीता गया। इस तों पहलां साल 2012 विच उन्हां नूं उर्दू साहित्य विच उन्हां दीआं सेवावां लई शहीद शोध संस्थान वल्लों माटी रतन पुरस्कार भी दिता गया सी। साल 2015 विच उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके विच अखलाक नां दे व्यक्ति की लिंचिंग यानी कि भीड़ वल्लों की हत्या की घटना तो बाद मुनव्वर राणा ने एक न्यूज़ चैनल पर लाइव बहस दौरान अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करन दा ऐलान किया सी। उन्होंने उस वेले इस फैसले का कारण देश विच वध रही धार्मिक असहनशीलता नूं दस्या सी। उन्हां दा कहना सी कि इस स्थिति का विरोध करने लई उह पुरस्कार वापस करनगे। इस बयान अते ऐलान तो बाद उन्हां संबंधी मीडिया विच काफ़ी बहस भी चली सी। इस तो बाद किसान अंदोलन दौरान भी उह चर्चा विच आए जदों उन्हां जनवरी 2021 विच दिल्ली दीआं सरहदां उत्ते धरने उत्ते बैठे किसानां बारे भी एक शेयर लिख के ट्वीट कीता सी अते किसानां दी हमायत विच उन्हां वल्लों जो गल आखी गई सी देश दी पार्लीमेंट नूं लैके उस उत्ते विवाद होया सी अते विवाद होण मगरों उन्हां ने उस ट्वीट नूं डिलीट भी कीता सी। उन्हां दीआं सब तों चर्चित अते यादगार लिखतां विच्चों एक लिखत विच ये शेयर उन्हां दी हमेशा याद दुआंदा रहेगा जिस विच उन्हां लिखिया सी, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।